हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन के कुछ एम सी क्यू क्वेश्चन के बारे में ठीक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द मॉडलेशन तकनीक यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें कौन सा मॉडेशन तकनीक यूज होता था तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड मॉडेशन ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका फ्रिक्वेंसी मॉडेशन ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका ए एस के ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका एफ एस के तो जो ऑप्शन आप नंबर आपका सेकेंड है जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें कौन सा मॉडलेशन तकनीक का यूज होता था फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन तकनीक ठीक है एफ का यूज होता था अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 इसमें फिल करना है इंट्रोड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इन 1935 1935 में जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन को इंट्रोड्यूस किया था किसने इंट्रोड्यूस किया था तो ऑप्शन आप नंबर आपका फर्स्ट है एडविन ऑर्मस्ट्रॉन्ग सेकेंड है आपका ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन थर्ड है आपका गैलीलियो फोर्थ है आपका डेविड बोम बोम ठीक है तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका एडविन और ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है सेकेंड जो 1935 में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए फ्रिक्वेंसी मॉडलेशन को डेवलप किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था किसने एडविन और ने ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अर्ली एफ एम पुश टू टॉल टेलीफोन सिस्टम्स वर यूज इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सिम्प्लेक्स मोड ऑप्शन नंबर बी है आपका या सेकंड है हॉफ डुप्लेक्स मोड ऑप्शन नंबर थर्ड है फुल डुप्लेक्स मोड ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ एबअ तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है या सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है हॉप डुप्लेक्स मोड ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ई सी टी स्टैंड फॉर ठीक है डी ई सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिजिटल यूरोपियन सेलुलर टेलेक्स सेकेंड ऑप्शन है आपका डिजिटल डिजिटाइज इमरजेंसी सेलुलर सेलुलर टेलीफोन थर्ड ऑप्शन है आपका डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन फोर्थ ऑप्शन है आपका डिजिटल यूरोपियन सेलुलर टेलीफोन तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है जो डी ई सी टी ठीक है डी ई सी टी का जो फुल फॉर्म है जो स्टैंड करता है किससे ऑप्शन नंबर थर्ड से डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन ठीक है डी ई सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विश्व का पहला सेलुलर सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था ठीक है तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नीपन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जिसको शॉर्ट में एन टी टी बोलते हैं सेकेंड आपका है बेलकॉर्न एंड मेट्रोला थर्ड आपका है ए टी टी बेल लैबोरेटरीज फोर्थ आपका है क्योलकॉन ठीक है केवल कौन तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है ठीक है एन टी टी एन टी टी ने ही आपका जो पहला आपका सेलुलर सिस्टम था संसार का जो पहला सेलुलर सिस्टम था उसी के द्वारा एन टी टी के द्वारा ठीक है एन टी टी के द्वारा ही डेवलप किया गया था एन टी टी के द्वारा ही जो पहला सेलुलर सिस्टम था संसार का उसको डेवलप किया गया था ठीक है इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेजिंग सिस्टम वर बेस्ड ऑन ठीक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सिम्प्लेक्स सिस्टम सेकेंड ऑप्शन है हॉफ डुप्लेक्स सिस्टम थर्ड ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स सिस्टम फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही है सिम्प्लेक्स सिस्टम तो पेजिंग सिस्टम जो होता है वो क्या है आपका एक सिम्प्लेक्स सिस्टम है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेजिंग सिस्टम कुड बी यूज ठीक है किसके लिए यूज किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सेंड नूमेरिक मैसेज सेकेंड ऑप्शन है सेंड अल्फ़ा नूमेरिक मैसेज थर्ड ऑप्शन है वॉइस मैसेज फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एवअब तो जो ऑप्शन नंबर फोर फोर है वो आपका बिल्कुल सही है जो पेजिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग क्या यूज़ करते हैं पेजिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं नंबर जो नुमेरिक मैसेज होता है इसको भी सेंड कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो पेजिंग सिस्टम होता है वो सिम्प्लेक्स सिस्टम होता है मतलब यू जो यूनी डायरेक्शनल होता है ठीक है एक ही डायरेक्शन में हम लोग जो मैसेज होता है उसको सेंड कर पाते हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपका बिल्कुल सही है पेजिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है आपका नुमेरिक मैसेज भी सेंड कर सकता है अल्फ़ा नुमेरिक भी सेंड कर सकता है वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकता है ठीक है इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गार्ग डोर ओपनर एच ए फर्स्ट है आपका ट्रांसमीटर सेकेंड है आपका रिसीवर थर्ड है आपका ट्रांस रिसीवर फोर्थ है आपका नन ऑफ नन ऑफ द एब ठीक है तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका वो बिल्कुल सही है जो जार्ज डोर ओपनर है वो क्या है आपका एक प्रकार का ट्रांसमीटर है ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ ए टी वी रिमोट कंट्रोल इच इन द रेंज किस रेंज जो हम लोग टी वी जो टी वी के रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं ठीक है उसके लिए जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है उसका रेंज कौन सा होता है तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंफ्रा रेड उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपका हंड्रेड मीगा हर्ट से कम वन गीगा हर्ट से कम या फिर टू गीगाट से कम तो हम लोग जानते हैं जो रिमोट कंट्रोल होता है वो कौन सा यूज़ करता है इन्फ्रा वेव को यूज करता है ठीक है तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हॉफ डुप्लेक्स सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन वाज या फिर हैच ठीक है फर्स्ट ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन सेकेंड ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन एट ए टाइम थर्ड ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम फोर आपका क्वेश्चन है नन ऑफ एब तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सेकेंड वो बिल्कुल सही है कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन एट ए टाइम एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन में सिग्नल को सेंड कर सकता है कम्युनिकेट कर सकता है ठीक है जो हॉफ डुप्लेक्स होता है लेकिन जो फुल डुप्लेक्स होता है वो एट ए टाइम एक समय पर कम्युनिकेशन uh, दोनों तरफ से कर सकता है मैसेज को भेज भी सकता है रिसीव भी कर सकता है लेकिन जो हॉफ डुप्लेक्स सिस्टम है ठीक है जो हॉफ डुप्लेक्स सिस्टम है वो एक समय पर या तो मैसेज को रिसीव करेगा या फिर ट्रांसमिट करेगा ठीक है सिंगल डायरेक्शन में तो यही है आपका जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एम आई एन स्टैंड फॉर एम एम आई एन का फुल फॉर्म क्या होता है ठीक है एम आई एन का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर सेकंड है आपका मोबाइल इंटरनेट थर्ड है आपका मोबिलिटी इन नेटवर्क फोर्थ है आपका नन ऑफ द एवब ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर एम से हो गया आपका मोबाइल आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन एन से हो गया नंबर ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए मोबाइल स्टेशन फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनेडर इच ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका एम एस सी ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका रूमर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका हैंड ऑफ ऑप्शन नंबर जो फोर है आपका फॉरवर्ड चैनल तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हैंड ऑफ यही आपका सही ऑप्शन है ठीक है राइट आंसर है एस सी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पी सी एन इज पी सी एन क्या है ठीक है पी सी एन क्या है इसके बारे में तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ क्या वायरलेस कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग कॉल्स उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपका फॉर रिसीविंग कॉल्स थर्ड ऑप्शन है आपका रेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द यूजर फोर्थ ऑप्शन है आप, आपका ऑल ऑफ द एब तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है ऑल ऑफ एवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आई एम टी दो हजार आई एम टी टू टू थाउजेंड डिजिटल मोबाइल सिस्टम डेट फंक्शन एज आपका फर्स्ट है पेजर सेकेंड है आपका कॉर्डलेस थर्ड है आपका लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द एब ठीक है तो जो इसमें आ, आपका ऑप्शन नंबर फोर है वो आपका बिल्कुल सही है ऑल ऑफ एवब तो आई एम टी जो दो हज़ार है वो क्या है आपका ऑल ऑफ एवब है पे, पेजर भी है उसे पेजर की तरह वर्क कर सकता है कॉर्डलेस भी और लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट की तरह भी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है द टू जी सेलुलर नेटवर्क यूज टू जी जो सेलुलर नेटवर्क है वो यूज होता है पहला आपका टी डी एम में या ऑब्लिक एफ डी डी सेकेंड ऑप्शन है आपका सी डी एम में ऑब्लिक एफ डी डी थर्ड ऑप्शन है आपका डिजिटल मॉडलेशन फॉर्मेट्स फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ एब तो ऑप्शन नंबर जो फोर है वो आपका बिल्कुल सही है ऑल ऑफ एब टू जी जो सेलुलर नेटवर्क है वो टी डी एम में भी यूज़ करता है सी डी एम में भी यूज़ कर सकता है डिजिटल मॉडलेशन फॉर्मेट भी यूज़ कर सकता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन ए डी सी इज ए टू टू जी स्टैंडर्ड ठीक है एन ए डी सी इज ए टू जी स्टैंडर्ड फॉर फर्स्ट ऑप्शन है आपका टी डी एम में सेकेंड ऑप्शन है आपका सी डी एम में थर्ड ऑप्शन है आपका है बोथ ए एंड बी फोर ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एवर इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है टी में वही ऑप्शन आपका सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टू जी सी डी एम में स्टैंडर्ड सी डी एम में वन सपोर्ट्स अप टू ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एट यूजर्स ऑप्शन नंबर सेकंड है सिक्सटी फोर यूजर ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका ट्वेंटी टू थर्टी टू यूजर्स ऑप्शन नंबर फोर है आपका वन हंड्रेड सिक्सटीन यूजर ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही है चौंसठ यूजर सिक्सटी फोर यूजर्स इसमें होते हैं सपोर्ट कर सकता है ठीक है जो टू जी सी डी एम ए स्टैंडर्ड है वो सिक्सटी फोर चौंसठ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू जी स्टैंडर्ड सपोर्ट्स टू जी स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिमिटेड इंटरनेट ब्राउजिंग सेकेंड ऑप्शन है आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एव तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सेकेंड जो थर्ड है आपका बिल्कुल सही है बोथ ए एंड बी ठीक है टू जी स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है इसमें फर्स्ट भी सपोर्ट करता है सेकंड भी सपोर्ट करता है मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द टू जी जी एस एम टेक्नोलॉजी यूजर की करियर सप्रेशन ऑफ यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट जो ऑप्शन है वन पॉइंट टू फाइव मेगा हर्ड्स सेकेंड ऑप्शन है टू हंड्रेड किलो हर्ट्स थर्टी किलो हर्ट्स नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन है आपका थ्री हंड्रेड किलो हर्ड्स ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है टू हंड्रेड किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है कैरियर फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है, ठीक है, ठीक जो टू जी जी है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्री जी डब्ल्यू सी डी एम इजोन थ्री जी जो थ्री जी ठीक है थ्री जी डब्ल्यू सी डी एम में सी डी एम ए इसको और किस नाम से जाना जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूएमटीएस ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका डी ई सी टी ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका सी ई एस वन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्थ ऑप्शन आ है आपका ई टी ए सी एस ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ठीक है यू एम टी एस यू एम टी एस को ही बोला जाता है थ्री जी डब्ल्यू सी डी एम में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ थ्री जी नेटवर्क फर्स्ट ऑप्शन है आपका टी में सेकेंड ऑप्शन है आपका एफ में थर्ड ऑप्शन है टी टी डी फोर्थ ऑप्शन है आपका एफ डी डी तो ऑप्शन नंबर जो फोर है वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है ठीक है एफ डी डी इसमें देखेंगे हम लोग कि जो थ्री जी थ्री जी मोबाइल नेटवर्क के लिए कि कौन सा मोड ज़्यादातर यूज होता है तो हम लोग देखेंगे कि एफ डी एम एफ डी डी यूज होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो फोर है इसमें बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख देखने वाले हैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम स्पेक्ट्रम लोकेशन रिक्वायर फॉर डब्लू सी डी एम में डब्लू सी डी एम में के लिए जो मिनिमम स्पेक्ट्रम लोकेशन होता है कितना रिक्वायर होता है लोकेशन कितना रिक्वायर होता है तो फर्स्ट है आपका फाइव मेगा हर्ट्स सेकेंड है आपका टू मेगा हर्ट्स ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका है फाइव हंड्रेड किलो हर्ड्स जो ऑप्शन नंबर फोर है वो वन हंड्रेड किलो हर्ज तो ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है फाइव मेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है सी एम में टू थाउजेंड वन एक्स ई वी प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा एक्सेस विथ चैनल एलोकेशन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइव मेगा हर्ज सेकेंड ऑप्शन है आपका फिफ्टी मेगा थर्ड ऑप्शन है आपका वन पॉइंट टू फाइव मेगा हट्स फोर्थ ऑप्शन है आपका फोर मेगा हट्स तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है वो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है वन पॉइंट टू फाइव मेगा हट्स ठीक है ये आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टी डी एस टी एम में देयर इज ए फ्रेम ऑफ डैश डैश है मिली सेकेंड एंड द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू यहाँ पे भी फिल करना है डैश डैश है टाइम स्लॉट्स तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है से फाइव सेवन ऑप्शन नंबर सेकंड है सेवन फाइव ऑप्शन नंबर थर्ड है टू फाइव ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो क्या है आपका फाइव टू तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही है फाइव सेवन तो इन टी डी एस डी एम में देयर इज ए फ्रेम ऑफ यहाँ पे रहेगा फाइव ठीक है फाइव मिली सेकेंड एंड द फ्रेम इज द डिवाइडेड इन टू सेवन टाइम स्लॉट्स ठीक है तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटरफेरेंस बिटवीन द नाइबरिंग बेस स्टेशन इज एवाइडेड बाई फर्स्ट ऑप्शन है आपका असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स सेकेंड ऑप्शन है आपका यूजिंग ट्रांसमीटर विथ डिफरेंट पावर लेवल नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका यूजिंग डिफरेंट एंटीनाज फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एवर तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है ठीक है असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेडियो कैपेसिटी मे बी इंक्रीज इन सेलुलर कॉन्सेप्ट जो रेडियो की कैपेसिटी है उसको सेलुलर कॉन्सेप्ट में सेलोलर नेटवर्क में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है ठीक है तो इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है इंक्रीज इन रेडियो स्पेक्ट्रम रेडियो स्पेक्ट्रम में इंक्रीज करके किया जा सकता है या फिर जो सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेस स्टेशन एंड यूजिंग द चैनल्स या फिर बेस स्टेशन के नंबर्स को ज़्यादा ज़्यादा बेस स्टेशन को यूज करके या फिर एक ही चैनल को कई बार यूज करके हम लोग जो सेलुलर नेटवर्क की रेडियो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी या ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी सही है या फिर ऑप्शन नंबर बी है वो भी सही है ठीक है नेक्स्ट जो ऑप्शन है जो फोर नंबर है वो नन ऑफ एब तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है जो बेस स्टेशन है, ठीक है जो भी बेस स्टेशन है उनके नंबर को मतलब कई सारे बेस स्टेशन को यूज़ करके हम लोग रेडियो कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं सेलोलर नेटवर्क के और फिर रीयूजिंग uh, चैनल्स और चैनल्स को दोबारा यूज करके हम ए, एक ही चैनल को कई बार यूज करके भी हम लोग रेडियो कैपेसिटी को इनक्रीज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द शेप ऑफ सेलुलर रीजन फॉर मैक्सिमम रेडियो कवरेज तो इस ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑप्शन आपका सर्कुलर सेकेंड ऑप्शन है आपका स्क्वायर थर्ड ऑप्शन है आपका ओवल फोर्थ ऑप्शन आपका हेक्सागन ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो फोर है वो आपका बिल्कुल सही है ठीक है ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है हेक्सागन क्योंकि जो भी आपका सिल्वर नेटवर्क है ठीक है उसमें मैक्सिमम रेडियो कवरेज के लिए जो सेप होना चाहिए वो हेक्सागन होता है ठीक है हेक्सागन सेप में क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम जो कवरेज होता है वो प्राप्त कर सकते हैं ठीक है इस तरह से आपका हेक्सागन होता है इस तरह से आपका हेक्सागन गन सेफ होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है हेक्सागन सेप इज़ यूज्ड फॉर रेडियो कवरेज फॉर ए सेल बीकाज फर्स्ट ऑप्शन है आपका इट यूजेज द मैक्सिमम एरिया ऑफ कवरेज सेकेंड है आपका फीवर नंबर ऑफ सेल्स और रिक्वायर थर्ड ऑप्शन है आपका इज अप्रोक्सीमेट सर्कुलर सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न फोर है आपका ऑल ऑफ द एवर तो जो ऑप्शन नंबर फोर है आपका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है ठीक है ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही है ऑल ऑफ एवर मतलब जो फर्स्ट है वो भी सही ऑप्शन है सेकंड वो भी सही है थर्ड वो भी सही है तीनों आपका सही ऑप्शन है क्योंकि जो हेक्सागोनल गोनल सेफ होता है वो सेल के लिए रेडियो कवरेज के लिए यूज किया जाता है ठीक है ताकि मैक्सिमम हम लोग कवरेज प्राप्त कर सकें मैक्सिमम एरिया कवरेज के लिए मैक्सिमम एरिया यूजेज कर सके ठीक है यूज कर सके ठीक है और फीवर नंबर ऑफ सेल्स और रिक्वायर उसके बाद इट अप्रोक्सीमेट सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न ये तीनों ऑप्शन आपका सही है इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेंटर एक्साइटेड हेक्सागन सेल्स यूज फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेक्टर्ड डायरेक्शनल एंटीनाज सेकेंड ऑप्शन है आपका होमी डायरेक्शनल एंटीनाज थर्ड ऑप्शन है आपका यागी उदा एंटीनाज फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ एवर ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें सेकेंड है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेक्ट्रम इफिशेंसी ऑफ ए सेलुलर नेटवर्क सेलुलर नेटवर्क का जो स्पेक्ट्रम इफिशंसी है तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है क्या है आपका ट्रैफिक कैरीड बाई होल नेटवर्क सेकेंड ऑप्शन है आपका द ट्रैफिक कैरियड फॉर सेल डिवाइडेड बाई द बैंडविथ ऑफ द सिस्टम एंड द एरिया ऑफ सेल ठीक है सेकेंड जो ऑप्शन है एक्सप्रेस अर्गलंज अर्गलंज ऑब्लिक मेगा हट्स ऑब्लिक किलोमीटर टू ठीक है और फिर ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बोथ ए एंड सी और ऑप्शन नंबर जो ई e है इसमें क्या है आपका बोथ ए एंड सी तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है बोथ बी एंड सी बी जो है वो भी सही है और जो सी ऑप्शन है वो भी सही है ठीक है इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ठीक है तो यही था आपका थर्टी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन से ठीक है तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो